आज टेक्नोलॉजी करप्शन को रोकने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। अगर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की फाइलें ऐसे ही जमा रहती हैं और भांति भांति के आरोप लगते हैं, लेकिन वही ऑनलाइन हो, कोई भी एप्लीकेंट हो अपने पासवर्ड से देख सकता है कि आज मेरी फाइल की क्या पोजीशन है, अपने घर बैठकर के ऑनलाइन देख सकता है। टेक्नोलॉजी के द्वारा इतनी ट्रांसपेरेंसी आ सकती है कि हम हमारे यहां सामान्य मानवीय भी करप्शन करने से पहले 50 बार सोचे। सीसीटीवी कैमरा जैसी चीजें भी आज आदमी को डरा रही है, खूंखार खूंखार व्यक्तियों को भी डरा रही है। तो हम टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करके करप्शन को कब करने के लिए ई टेंडरिंग वगैरह छोटी मोटी चीजें भी प्रारंभ हुई है, लेकिन उसको और व्यापक रूप से कैसे लाया जाए। इतना ही नहीं, स्कूल में बच्चों की प्रेजेंस, उसको हम बायोमेट्रिक सिस्टम से अगर जोड़ देते हैं तो फिर 40 बच्चे हैं और कोई 80 लिखवा करके सारे सहायता ले रहा है, वो करप्शन अपने आप चला जाएगा। ग्रास रूट लेवल से टॉप लेवल तक करप्शन की सारी बातें करा था। रेलवे के अंदर सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था होगी तो रेलवे के भीतर चलने वाली गतिविधियों को हम रोक सकते हैं। कई ऐसी बातें हैं, और जैसे एक पॉलिसी ड्रिवन स्टेट हो, टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग हो और करप्ट लोगों के लिए कठोर से कठोर कार्रवाई करने की व्यवस्था हो, मुझे विश्वास है हम स्थितियों को बदल सकते हैं।